दोस्तों अगर वायरलेस ईयरफोन्स के बारे में मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से नेक बैंड वायरलेस ईयरफोन्स जो होते हैं, जी हाँ नेक बैंड जिनमें होता है, दे आई थिंक आर वेरी वेरी प्रैक्टिकल, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बेसिकली दिन भर म्यूजिक सुनते हैं, ऑडियो सुनते हैं, उनको उनके जो ईयरफोन्स हैं साथ में चाहिए इनके लिए। दोस्तों अगर TWS ईयरफोन्स के बारे में बात करूं जो आजकल बहुत पॉपुलर हो गए, एक चीज मुझे इतनी पसंद नहीं आती और वो है कि वो गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जी हाँ, आप रनिंग वगैरह कर रहे हो, जिम में इस्तेमाल कर रहे हो, देर आर चांसेस थोड़े स्वेटी हो गए आपके कान तो वो स्लिप होके गिर सकते हैं, बट विथ नेक बैंड वायरलेस ईयरफोन्स वो प्रॉब्लम अगर होता भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर नॉट गोइंग टू फॉल डाउन, आपके गले में ही गिरेंगे। सो ये जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको 1500 रुपए के नीचे सबसे अच्छे नेक बैंड वायरलेस ईयरफोन्स। या प्रॉपर रिसर्च करके कुछ 25-30 अलग अलग कंपेयर करने के बाद हम ये आप तक लिस्ट पहुंचाते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिए, वैसे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं इसीलिए लाल बटन सब्सक्राइब, यस डू इट राइट नाउ। दोस्तों कुछ मिनिमम क्राइटेरिया है, अराउंड 10 mm के ड्राइवर्स होने चाहिए, IP सर्टिफिकेशन चाहिए, जी हाँ आउटडोर्स इस्तेमाल करोगे पानी भी नहीं गिर गया तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए IP सर्टिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों बैटरी जो है कम से कम 7 से 10 घंटे की होनी चाहिए, कम से कम, ज्यादा है तो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि नेक बैंड जनरली आप लॉन्ग टाइम तक यूज करते हो, सो अगर बीच में ही बंद पड़ गया तो क्या फायदा। इनलाइन माइक्रोफोन होना चाहिए एंड ब्लूटूथ 5.0 कम से कम, यस मल्टी डिवाइस सपोर्ट चाहिए। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द लिस्ट। पांचवें नंबर पे आता है दोस्तों इन्फिनिटी ग्लाइड 120। दोस्तों दो तीन चीजें इसके बारे में अच्छी है, एक चीज इतनी अच्छी नहीं है। सबसे पहले 1000 रुपए के नीचे अगर आपका बजट टाइट होगा तो आप इसे डेफिनेटली देख सकते हैं और सबसे बड़े ड्राइवर्स हैं इसके अंदर 12 mm के। प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर 7 घंटे की बैटरी लाइफ है जो मुझे लगता है थोड़े कम है, स्पेशली अगर आप ये देखोगे तो देर इज स्पेस, थोड़ा अगर मोटा करके ज्यादा बैटरी आप डालते हो तो इट इज ऑलवेज बेटर मेरे हिसाब से, बट नहीं इसकी वजह से 5वें नंबर पे 7 घंटे की बैटरी लाइफ है और बाकी सब है। IPX5 आता है इसके अंदर, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है, इनलाइन माइक्रोफोन है, सो ऑल दोस आर देयर, लेकिन हमारी लिस्ट पे इन्फिनिटी ग्लाइड 120 5वें नंबर पे आता है। 4थे नंबर पे दोस्तों रेडमी के सोनिक बास आते हैं। जी हाँ, एक बात कहूं, जो रेडमी के ईयरफोन्स मैंने अभी तक देखे हुए हैं वो सब क्वालिटी उनकी जो है बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती है एंड रेडमी सोनिक बास इज नो डिफरेंट, 1299 के है। एक चीज है दोस्तों जो इतनी अच्छी नहीं है और इसीलिए 4थे नंबर पे, 9.2 mm के ड्राइवर्स है, ऑडियो ठीक ठाक है हमने सुने हुए हैं, आई एम टेलिंग यू इट इज गुड, बट जी हाँ 9.2 mm ड्राइवर्स आर स्लाइटली लेसर और उसकी वजह से 4थे नंबर पे आते हैं और बाकी सब चीजें तो हैं। 2 कलर्स हैं सिर्फ इसमें, ब्लू और ब्लैक, बट IP सर्टिफिकेशन आता है, इनलाइन माइक्रोफोन है, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है, सो एवरीथिंग इज देयर। बैटरी के बारे में बताना भूल गया, बैटरी लाइफ भी थोड़ी कम है, 12 घंटे की है, इट शुड बी ओके, दिन भर आप यूज करोगे शाम को फिर से चार्ज करोगे, बट देर आर अदर ईयरफोन जिसमें 20-30-40 घंटे की बैटरी लाइफ है, उस हिसाब से रिलेटिवली कम है Redmi Sonic Bass। Alright, Boat 100 दोस्तों 3rd नंबर पे आते हैं, ये 1399 के हमारी लिस्ट में सबसे महंगे हैं ये, वैसे ऑफर्स में वगैरह अगर आप ले लोगे तो 100-200 रुपए और भी कम मिलते हैं आपको, बट ये जो है दोस्तों ये ऑलराउंड ईयरफोन्स, नेक बैंड ईयरफोन्स में कहूंगा, क्यों, क्योंकि 30 आवर्स, यस 30 आवर्स की बैटरी लाइफ आती है, 10 mm के ड्राइवर हैं, IPX4 सर्टिफिकेशन है, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है, लेकिन 100 रुपए से ज्यादा है 1400, इसीलिए हमने जो है बेसिकली 3rd नंबर पे रखा हुआ है। ओवरऑल ऑलराउंड अगर ईयरफोन चाहिए तो जरूर आप इसके पास देख सकते हो बोट 100। वैसे दोस्तों जो भी ईयरफोन्स मैं बता रहा हूँ सभी के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जरूर जाके देखिएगा, इस वीडियो का फायदा होता है तो लाइक करना मत भूलिए। दूसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों अभी अभी लॉन्च हुए डीजो, इसमें से है यस दिस वन, ये जो है दोस्तों ये डीजो वायरलेस है एंड एक चीज अच्छी है दोस्तों इसमें, Realme Link ऐप जो आता है सिर्फ इसी ईयरफोन्स के साथ आते हैं, मतलब आप पेयर कर पाओगे Realme Link ऐप के साथ तो अपडेट्स, फर्मवेयर अपडेट्स वगैरह होंगे वो भी आपको मिलेंगे, सो इम्प्रूव होने के भी चांसेस है। उतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपको टच के जो फंक्शंस है वो चेंज करने हैं वो भी आप कर पाओगे Realme Link ऐप के साथ, सो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। बाकी देखोगे तो इसका साउंड भी अच्छा है, 11.2 mm के ड्राइवर्स हैं एंड लाउडनेस जो है बहुत ही ज्यादा है और बेस के मामले में भी मैं कहूंगा डीजो वायरलेस सही में अच्छे हैं। बैटरी लाइफ 17 घंटे की है, जी हाँ थोड़ी ज्यादा और होती तो अच्छा होता, बट 17 घंटे मेरे हिसाब से डिसेंट इनफ बैटरी है और उसकी वजह से इंक्लूडिंग द प्राइस 1299 के सब चीजों के पास देखोगे तो डेफिनेटली नंबर 2 पे आते हैं। और पहले नंबर पे आते हैं बोट रॉकर्स 255 Pro Plus, इतना बड़ा नाम क्यों देते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें 40 घंटे की बैटरी लाइफ आती है, 40 घंटे मतलब एक बार चार्ज करो 2-3 दिन तक इजीली आप इस्तेमाल कर पाओगे, दैट इज क्रेजी। हाँ थोड़े हैवी होंगे क्योंकि बैटरी ज्यादा है,
थोड़े हैवी है बट आई विल स्टिल से दे आर वेरी गुड. बिगर बैटरी इज ऑलवेज वेलकम. साथ में इसमें IPX7 का सर्टिफिकेशन आता है, बाकी किसी में भी आपको IPX7 नहीं मिलता है. सो 40 आवर्स बैटरी लाइफ IPX7 एंड 10 mm ड्राइवर्स इन सब एंड प्राइस 1299. आई थिंक 1300 रुपए में यू गेट अ होल लॉट. और उसकी वजह से दोस्तों बोट रॉकर्स 255 प्रो प्लस हमारी लिस्ट में आते हैं नंबर 1 पे. वैसे दोस्तों अगर आप कोई नेकबैंड ईयरफोन्स इस्तेमाल करते हो और इस लिस्ट में होने चाहिए थे वो जरूर बताएगा, बट दे शुड बी बिलो 1500. प्राइस उनकी 1500 से नीचे होनी चाहिए. 2500 वाले जो है उनके साथ कंपेयर मत कीजिए, लेकिन एक चीज जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब. चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ.